ਉਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਰੀ ਪੈਰੀ ਕਰਾਣੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ अस्सलाम वालेकुम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। कैफल हाल क्या हाल चाल है तुम सबका। आई होप के मजे कर रहे होंगे अपनी अपनी जिंदगी में। मैं तो मजे कर रहा हूँ, ये देख लो दोबारा मैंने ट्रेन करवा दिया है। यार एक्चुअली पता क्या है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट नहीं ना करते तो उसकी वजह से ना मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता हूँ। साथ ही ओवर थिंकिंग होने लग जाती है तो उसकी वजह से ना ये बाल सर से झड़ गए। तो इसलिए अगर बाद में दोबारा जाते हो तो सही है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके नीचे कमेंट भी कर दे करो। सही है, वीडियो को स्टार्ट किया ना साथ ही आते साथ लाइक करो, साथ ही कमेंट करो, साथ ही जो है ना सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो। यार आज का सीन पता क्या है, मैंने जाना सिटी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि पीसी लेने जाना है, पीसी उसने बना दिया, शुक्र है अल्लाह पाक का। उसका फोन आया कि आके पीसी अपना ले जाओ भाई। तो मैं जा रहा हूँ अब सिटी, साथ और भी बहुत ज्यादा काम है। सो इब्राहिम साहब ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमें आए हुए हैं तो उसको पकड़ते और चलते हैं सिटी। बाकी जो है ना मेरे ख्याल से मेरे मुंह पे दोबारा गंदम निकल रही है क्योंकि इफ्तारी टाइम जो पकौड़े समोसे खाता हूँ ना साथ खजूरें खा लेते तो उससे यू नो अंदर गर्म हो जाता है, इसलिए ना दाने वगैरह दोबारा बांध रहे। तो मेरा तो दिल है आपसे ना यार छोड़ दूँ क्योंकि दाने बांध गए ना तो मैं तो बड़ा ज्यादा मसला हो जाएगा मेरे लिए। पहले शुक्र किया अल्लाह पाक का, पहले मेरे इतने ज्यादा यकीन मानो दाने थे, शुक्र है अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी दफा शुक्र अदा करूँ ना कम है कि अब जो है ना मेरा फेस ठीक है, मतलब क्लियर है। इंशाल्लाह फ्यूचर में और ज्यादा यू नो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं नहा के आया हूँ, शूज पहनते हैं और निकलते हैं सिटी के लिए। बेकारी नहीं है, आप बहुत पैसे अपने पास। सिटी तो हम दोनों गए थे लेकिन अभी जा रहे हैं वापस सिटी में। इतने ज्यादा हमने काम किए हैं, पहले तो दही लिया है, उसके बाद गोश्त लिया, उसके बाद इब्राहिम के पास आलू है वो लिया है, फिर पीसी लिया, ये पीछे आप लोग देख सकते हो। शम्मू आती है इसको, शर्म नहीं आता है। जाके आपको कंप्यूटर ऑन करके दिखाते हैं, मैं अगर तुम लेवल हो गया सही बात है, बड़ा जो है ना अच्छा पीसी बनाया माशाल्लाह। पीसी कर लिया है लेकिन इसको मैं अभी लगाऊंगा नहीं क्योंकि जोहर का टाइम हुआ, मैं पहले नमाज पढ़ाऊँ उसके बाद आके ना पाक साफ हो गए नहा के गुसल करके तीन चार दफा फिर इसको लगाएंगे। सही है ना, तो इधर भी नहीं लगाना, वो अपने स्टूडियो में जाके लगाएंगे। इधर बस रख के चेक करूंगा तो उसके बाद अपने स्टूडियो में जाके चेक करेंगे। जो है ना वो तस्वीरें लगी हुई है ना वो भी उतार दी है, मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो गुनाह होता है तस्वीरें लगाना, तो इसलिए ना तस्वीरें उतार के उधर ना मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सही है ना, वो लगाएंगे ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। Few moments later. नमाज पढ़ के इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑन ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या मसला है, ऐसे ही लगा हुआ है, बस टू टू कर रहा है, टू टू कर रहा है। देखना ऐसे होता है ऑन, बस टू करके फिर बंद। यकीन मानो जब से लैपटॉप लिया ना तब से बड़ा मसला बना हुआ है। सही बात है, अब ये भी नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं क्यों मसला बना। पहले इसको खोला है, उसके रैम वगैरह निकाल के ना दोबारा लगाए, अब इंशाल्लाह ना चल जाएगा, लगाता हूँ, उम्मीद तो है, अब अल्लाह करे कि चल भी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बंद हो गया फिर। चल पिया, चल गया यार, शुक्र किया, सही बात है। मेरे तो यकीन मानो मेरी हालत बुरी हो गई थी, सही बात है, चल नहीं था राम। मैं तो सोच रहा था लो जी नवी गेम पे आ गई जी, शुक्र अल्लाह पाक का चला यार। अब ना मैं एक दफ़ा इसको चेक कर दूँ, उसके बाद ना अपने स्टूडियो में जाके आपको सही प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। इसको पहले करते हैं बंद, फिर लगा के चेक करते हैं। कैपकट को मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया, ये 13 हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा देर लगा लिया क्योंकि हमारा नेट ही बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है इस टाइम। अभी तो हो रहे हैं दिन के 2:30 हो चुके हैं तकरीबन, रात को 11 बजे से लेकर ना सुबह 9, 10, 11 बजे तक ना अनलिमिटेड हो जाती है ना एमबीज़, तो ऐसे भागते हैं ऐसे 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 ऐसे, मतलब इतना तेज़ चल रहा होता है। और अभी नेट की स्पीड चेक करो, 2:30 हुए हैं ना तो बहुत ज़्यादा कम स्पीड आ रही है, तो इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा देर लगा रहे हैं। अब जब ये इंस्टॉल हो गया ना तो जो है ना फिर जाएंगे हम दूसरे कमरे में, जितनी देर में हमारा कैपकट डाउनलोड हो जाएगा ना उतनी देर में मैं जाता हूँ दूसरे गांव में, उधर से ना प्लाई का पता करके लाता हूँ। प्लाई से मतलब टेबल सा बना के ना एक तो उसके ऊपर पीसी को रखेंगे सही है ना अपने स्टूडियो में, उधर फिक्स करके प्लाई को, मतलब यार प्लाई समझते हो ना आप, उसको अच्छे से फिक्स करके तो उसके ऊपर पीसी रखेंगे, नीचे लाइट्स वगैरह लगा देंगे। सही है ना, कैसा आइडिया है, मस्त। पेमाइश तो मैं घर से करके ले आया था लेकिन मुझे वो दुकान ही नहीं मिल रही, हमारे साथ वाले गांव में थी दुकान लेकिन वो बंद है, अभी दूसरे गांव में भी गया हुआ था उधर से भी कोई नहीं मिली। बी कोर शॉप का पता चला, दुआया कि उधर से मिल जाए, सही बात है, नहीं तो टेबल पे फिक्स करना पड़ेगा मुझे। गर्मियाँ आ रही है ना, ये कीड़े देखो कितने ज्यादा, अभी मेरे ऊपर भी इतने ज्यादा लगे हुए हैं, वो नजर नहीं आ रहे क्योंकि शर्ट करांगी ऐसा। और गलती मुझसे ये हुई है, मैं अपनी ग्लासेस भी नहीं पहन के आया और आंखों में जा रहे हैं, सही बात है। मार्केट में भी दुकानें हैं लेकिन वो बंद है क्योंकि यार
रमजान चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से रमजान की वजह से सारे अपना अपना काम करके ना तो छुट्टी कर जाते हैं। पिछले गांव में भी बंद थी और ये वाले गांव में भी बंद है। अब घर चलते हैं आराम सुकून से। पूरे 150 का मैंने तेल जाया किया और मिली भी कोई चीज नहीं। इसकी वजह से मुझे बहुत सख्त डिप्रेशन हो रहा है और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे सर के बाल झड़ रहे हैं। मुझे तो डर लगता है मैं गंजा ही ना हो जाऊँ कहीं। यकीन करो पूरा घंटा मैं जाया करके आया हूँ। 2:31 हुए थे और अभी 4:19 हुए हैं और अभी तक 19 हो गया। अल्लाह के लीतर है मारे हुए ना टूई दे उत्ते सही गल नेट के ता स्वाद आए। उस टाइम से 19 हो गया यार, 13-14 थी उस टाइम मेरे ख्याल से, तो उस टाइम से 19 हो गया। अल्लाह साहब है कोई है गल करने वाली। बाकी ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो 8 GB रैम है इसका, 64 bit है और जो है ना कोर i5 की सेकंड जनरेशन है, 128 GB की SSD है उसके साथ, 300 की हार्ड है। तो यार ठीक है, मतलब अच्छा है माशाल्लाह से। एक्सपीरियंस अब मैं यूज करने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसा है, बस ये ना इंस्टॉल हो जाए पहले। मैं हैरान था कि 2 घंटे में तकरीबन 300 MB का कैपकट नहीं डाउनलोड हुआ। वो गा रहा है तो हीरो ने बताया कि नेट ही खराब हुआ है, इसलिए फिर जो है ना नेटवर्क। अभी असर का भी टाइम होने वाला है, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर देते हैं 5-10 मिनट, क्योंकि सुबह से मैं गया हुआ हूँ सिटी तो रेस्ट वेस्ट कोई नहीं किया है। तो अभी तकरीबन 15-20 मिनट पड़े हुए हैं नमाज को, उसके बाद जो है ना कब्रिस्तान जाने हैं। कब्रिस्तान जाने के लिए ना घर में जो हमारे फूल लगे हुए हैं ना पौधों पर, वो फूल उतारने हैं। वैसे मैंने पहले उतारे थे लेकिन जो है ना अभी और ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, तो फूल उतार के फिर नमाज पढ़ के सीधा चले जाएँगे कब्रिस्तान। इतनी देर में मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ, थोड़ा बहुत तो बनता ही है ना मेरा। बात तो सही है। की हाल चाल है सर, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाजी एक काम करो, जाके जान पढ़ो तो मैं आया जी। बस पाए ना ये आधा घंटा पे है नमाज में, किथे 40 मिनट हो गए ना ताडे वजू कर जान, जान ना टाइम हो जाना 45 मिनट से जान। तुसी किथे हो? 5 बजे जमात है, मैं बस आ जाना। जमात के टाइम आ जाओ ना। हां जमात के टाइम आ जाना, मैं कोई जान का। चलो मैं जाना हूं इंशाल्लाह। उठना ही पैना है जिंद नूं सो सियापे। इसकी वजह से मुझे इतना सख्त डिप्रेशन हो रहा है, मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया हूँ और मेरे सर के सारे बाल झड़ गए हैं। मैंने सेटअप को बंद कर दिया, अब जो है ना और भी दुनिया के बड़े ज़्यादा काम है इसके ऊपर, इतना ना लगे रहना। रात को 11-12 बजे करूँगा ना तो उस टाइम सही चल जाता है, तो उस टाइम ऐसे घूमेगा। ये सारे फूल मैंने पहले उतार दिए थे, अभी ये जो लगे हुए हैं इनको उतार के ना मैं भागता हूँ नमाज के लिए, क्योंकि अजान जाके मैंने खुद पढ़नी है। ये देखो 2-3 दिन के कितने ज्यादा फूल हो चुके हैं, ऐसे 2-3 दिन बाद मैं उतारता हूँ और अम्मी की कब्र पे डाल देता हूँ। मैं दोहरा टाइम शहर गया हुआ था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी चंगी गल है यार, नमाज पढ़ना आया करो सारे। सही है नमाज पढ़िए तो बुक की कॉल है, ये कहते हैं जल्दी से घर जाओ और हीरो से पूछो क्या चीज़ इफ्तारी के लिए लानी है। हीरो का नेट ऑफ है, आपको पता है कि वाईफाई खराब है, तो इसलिए ना जल्दी से कब्रिस्तान से फ्री होकर ना घर जाते हैं भाग के। जल्दी है ना, अबू ने बोला तो फिर यू नो छुड़क जाता है ना बंदा। टिकटॉक पे आपने वीडियो देखी होगी, मैंने कब्रिस्तान में ना अम्मी की कब्र के पास ना ड्रेक लगाई थी और इसके ना निकलने लग गए यार गुल्ले कहते हैं जो भी है ना पत्ते, पंजाबी में तो गुल्ले कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जो है ना पत्ते इसके निकलना शुरू हो गए, शुक्र है अल्लाह पाक का। इस दफ़ा गर्मियों में तो शायद जो है ना इसकी छाँव ना हो, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा ना इंशाल्लाह बफ़ज़ले खुदा अम्मी की कब्र पर छाँव रहेगी। ये दूसरी कब्रों पर भी मैंने फूल डाल दिए और अम्मी की कब्र पर भी, अब जो है ना चलते हैं घर। ये देखो इधर इन्होंने बड़े पानी की मोटर लगाई हुई है। ये देख रहा मुझे पिछले रमजान के दिन याद आ गए, जब हम सारे पिछले रमजान को जाते थे नहाने के लिए। सही बात है, बड़ी चास आती थी। तो हीरो हमारी इधर कचोरियाँ बना रही है, साथ इधर हंडी बड़ी हुई है और जो है ना ये जूस भी बना रही थी। जो हमारा हीरो है ना, मैं कहता हूँ पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में हीरो जैसा बंदा कोई नहीं है, मैं ये गारंटी देता हूँ। सही बात है, ये पूरा A1 पूरा VIP पूरा ब्रांड है हीरो हमारा। जो है ना हमारी सही बात है, सारा दिन काम करती रहती है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब मैं कामयाब हो गया ना इंशाल्लाह अपनी बहनों को ऐसे याशी करानी है, याशी करानी है, मैं कहता हूँ चस करवा देनी है उनको पूरी जिंदगी की। सही बात है, बस जो है ना कामयाब हो जाऊँ मैं एक दफ़ा। अभी वो गया चाचू के घर और मुझे कहते हैं कि बस इसका 2 मिनट ध्यान रखो, मैं बस आई तो जब वो आ गई तो फिर जैकी को भी लेके जाना है, उसके बाद दूध भी लेने जाना है यार। मैंने कुछ ये तो चलो बन जाएंगी, उसके बाद जूस बनाना है, उसके बाद पकोड़े बनाने हैं, फिर चटनी बनानी है, उसके बाद सालन तो चलो बन गया, फिर रोटियां बनानी है। हीरो का भी बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैंने बोला ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। सही बात है, मैं कहता हूँ इनको बस ना जिंदगी के मजे दिलवाने हैं, बस जो है ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँ इंशाल्लाह। फिर इनके मोजे मोजे हैं, इनको भी फ्राई करना है। साहब मुझे दूर से देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने। साहब चलो बाहर चलिए, चलो 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 बाहर जाने। तो ही नहीं जाना, तो ही नहीं जाना, तो नहीं जाना, चलो उधर कोई नहीं जाना। नो 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 इधर आ जा, चलिए चलो। वैसे जितनी देर मर्जी दरवाजा खुला रहे ना, वैसे नहीं बाहर निकलता जब तक। क्या क्या है, क्या है ये, मेरा रोजा है साहब, रोजा मेरा।
वैसे बेशक जितनी देर मर्जी दरवाजा खुला रहे ना बाहर वाला, ये नहीं बाहर निकलता। जब इसके सामने नाम ले लो ना या कि बाहर जाना है, उसी टाइम ऐसे छूटे पटेगा बाहर जाने के लिए। बाहर निकल के फिर नहीं किसी की सुनता, फिर जी दाए मतलब दाइम की वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं? दाइम की वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं? 75,000 व्यूज। जैकी वायरल है तो एक दाइम वायरल है। गुड मॉर्निंग। कल सीन ये हुआ कि अचानक हमारे घर मेहमान आ गए थे, फिर यकीन मानो मेरी जैसी भागदौड़ लगी है ना, पहले दुकान पे 3-4 दफा चक्कर लगाया, फिर किचन से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से किचन में, दूसरे कमरे से दूसरे कमरे में, किचन से इतनी ज्यादा भागदौड़ लग गई थी, सही बात है मत मार गई मेरी तो पूरी। फिर उसके बाद जो है ना अफ्तारी वगैरह की, खाने वगैरह खाया, नमाज पढ़ के आए, फिर उस टाइम आके फिर जो है ना काम शाम किए, तो ईशा की नमाज पढ़ के आए, उसके बाद जो है कोई काम ही नहीं था, फिर मैंने वीडियो को ही बनाई। रात को फिर जब सहरी टाइम उठे थे तो मैंने कैपकट डाउनलोड किया, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। आपको कल मैंने बताया था ना कि रात को बड़ी अच्छी स्पीड होती है, तो वो सहरी टाइम मैंने उठ के कैपकट को भी डाउनलोड कर दिया, तो सुबह से फिर सोए हुए थे, रोज़ा रख के फिर मैं नमाज पढ़ने गया, फिर दोबारा सो गया था। इब्राहिम साहब इधर सोए हुए थे मुँह खोल के, तो वो गया है। अभी मैंने चार्जर लगाया साथ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो को एडिट कर दिया जाए, ये एक्सटेंशन साथ ही मैंने रखी हुई है, मैंने सोचा चलो आउटरो वीडियो को कर देने चाहिए हैं। इधर पीसी का थोड़ा बहुत सेटअप करेंगे, सही है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दूसरे व्लॉग में आप लोग देख लेना। तो इसलिए ना अभी तो मैं पहले वीडियो को एडिट करूंगा, उसको पोस्ट करूंगा, थंबनेल बनाऊंगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम है, सही है। तो आज के व्लॉग को मैं कर रहा हूं फिर यही पे एंड, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी से कर देना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय के साथ टेक केयर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे प्यारा सा कमेंट ना किया, जल्दी जल्दी कमेंट करो, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ, इधर कमेंट करो यार, थले दिमाग नहीं खाए, सही कहते कि मेरा दिमाग कोई नहीं है ज़्यादा, हाँ नीचे प्यार से कमेंट करो, सही है, अल्लाह हाफिज़।